राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? देखो, कुछ बच्चों का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि सर सेक्शन 92 जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। जो सेक्शन 92 आपने कवर कराया है उसके प्रोविजंस में आपने कम एग्जांपल्स लिए हैं, प्लीज इन्हें और एग्जांपल्स लेके एलैबोरेट करिए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? या आपको भी सेक्शन 92 के प्रोविजंस को समझने में कुछ दिक्कत हुई? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लगता है तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ऑलराइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सेक्शन 92 के प्रोविजंस को समझते हैं। तो देखो, 92 के प्रोविजंस को समझने से पहले एक बार हम सेक्शन 92 का ओवरव्यू सा ले लेते हैं, ठीक है? देखो, सेक्शन 92 ने क्या स्टेट किया था? सेक्शन 92 स्टेट्स एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। क्या कह रहा है सेक्शन 92? एक्सक्लूजन किस चीज का? ऑफ एविडेंस, एविडेंस का। और किस एविडेंस का? ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस का, ठीक है? ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस का एक्सक्लूजन, यानी ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. तो section ने क्या state किया? Section states, जब आपने contract, grant और other disposition of property के terms को या फिर किसी ऐसे मैटर को जिसे लॉ ने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोला था, ठीक है? व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सच का मतलब क्या है यहां पर? सेक्शन 91 वाला कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके? और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या फिर किसी ऐसे मैटर को जिसे लॉ ने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोला था। तो जब आपने इन्हें सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट मींस सेक्शन 91, दैट मींस आपने इसे प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर दिया, तो अब ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट का एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा पार्टीज और उनके एलआर के बीच में, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को कॉन्ट्रेडिक्ट, वेरी, एडिशन या सब्सट्रैक्ट करने के लिए। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, इट मींस एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट शैल नॉट बी अलाउड एज बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में या फिर उनके एलआर के बीच में, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इट्स कॉन्ट्रेडिक्शन, इट्स वेरिएशन, इट्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन। That means only documentary evidence will be given in order to prove any contradiction, addition, variation, subtraction from the original terms of the contract. Evidence of oral agreement or oral statement will not be allowed to prove any kind of contradiction, variation, addition or subtraction in the terms of contract. ठीक है, समझ में आया? भाई ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? अगर इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझे तो ओरल एग्रीमेंट मींस व्हिच इज नॉट रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग, व्हिच इज नॉट कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट फॉर्म और व्हिच इज अनरिटन, ठीक है? ओरल का मतलब क्या हुआ? मौखिक तौर पर, जिसको आपने राइटिंग में, जिसको आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया, सिंपल, ओके? अब इस सेक्शन को एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करके चलिए A एंड B, A एंड B ने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? A एंड B ने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की रिटर्न टर्म्स में किसी बदलाव, किसी चेंज, वेरिएशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन को लेकर ओरली एग्रीमेंट किया, ठीक है? सपोज करके चलिए A और B ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अकॉर्डिंग ए बी को 10 किलो बासमती चावल 1000 रुपए में देगा,
ठीक है। अब मान के चलिए बाद में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को लेकर ए और बी ने ओरली कुछ बदलाव कर लिया, लाइक सपोज करके चलिए इन्होंने बासमती की जगह ऑर्गेनिक चावल कर दिया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप समझते हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें किसी भी तरह का केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, ये सब एकदम नेचुरली ग्रो किए जाते हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट होते हैं काफी कॉस्टली आते हैं। ये मान के चलिए इन्होंने क्या किया, चावल में एडिशन कर दिया, 10 किलो चावल की जगह 15 किलो कर दी। यह मान के चलिए इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में सबसेक्शन कर दिया, 10 किलो चावल की जगह 5 किलो कर दिया, राइट। सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मेड ओरल एग्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। Now they want to bring evidence of that. अभी क्या करना चाह रहे हैं, parties इस oral agreement के evidence लाना चाह रही है, they want to bring evidence of oral agreement or oral statement. So now the question is, will they be allowed to do so? Will they be allowed to bring oral evidence of oral agreement with respect to any change in the terms of contract? क्या parties को, क्या A और B को इस contract के terms में उन्होंने जो बदलाव किए हैं, 10 किलो की जगह 5 किलो या 10 किलो की जगह 15 किलो या बासमती चावल की जगह ऑर्गेनिक चावल, यानी पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में जो ओरली एग्रीमेंट करके बदलाव किया है, क्या इसको लेकर पार्टीज ओरल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 92 क्लियरली स्टेट्स दैट व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट मींस if it is proved by primary evidence or secondary evidence, then no evidence of oral agreement or oral statement will be admitted for the purpose of any contradiction, variation, addition or subsection from its terms. That means parties have to bring documentary evidence of it. Parties ko contract ki terms mein contradiction, variation, addition ya subsection ko lekar documentary evidence hi produce karna hoga. Theek hai? Samajh mein aaya? एक लाइन में बस आप एक बात याद रखना कि रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस को आप केवल और केवल राइटिंग के थ्रू ही प्रूव कर सकते हो। इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन राइटिंग एंड यू वांट टू चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन डू दैट चेंजेस इन राइटिंग ओनली। व्हाई? बिकॉज ओनली देन इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है। और देखो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, वेरिएशन, एडिशन, सबसेक्शन है ना, ये किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इसी कारण से ये कॉन्ट्रडिक्शन, वेरिएशन या सबसेक्शन होगा। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन लाइक जैसे मान के चलिए बासमती जो राइस है वो महंगा हो गया, उसके दाम बढ़ गए, या मान के चलिए बी की जॉइंट फैमिली में पार्टीशन हो गया और अब सब लोगों की न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो इसलिए उन्होंने क्वांटिटी को क्या किया, सबसेक्ट कर दिया, 10 किलो की जगह 5 किलो चावल करवा दिए। ये मान के चलिए बी के लड़के ने जुडिशरी क्रैक कर लिया और उस खुशी में उसने सोचा कि मैं पूरे गांव को चावल खिलाऊंगा, तो उसने क्वांटिटी 10 से सीधा 20 किलो कर दी। ये मान लीजिए बी का जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, अब वो हर चीज ऑर्गेनिक ही प्रेफर करता है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो खाने को लेकर बड़ा मतलब सेंसिटिव हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए उसने बासमती की जगह ऑर्गेनिक चावल खाना पसंद कर दिया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में एडिशन, कॉन्ट्रडिक्शन, वेरिएशन या सबसेक्शन है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। ऑलराइट, तो आई होप सेक्शन 92 का जो मेन पार्ट है या जो जनरल रूल है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 92 के प्रोविजोस को डिस्कस करते हैं। अब देखो जो सेक्शन 92 है ना, ये टोटल 6 प्रोविजो कंटेन करता है। ठीक है, प्रोविजो मींस क्या मतलब है जी प्रोविजो का? दैट मींस एक्सेप्शन, राइट? यानी ये जो 6 प्रोविजो है ये सेक्शन 92 के एक्सेप्शन से डील कर रहे हैं। समझ में आया भाई? सेक्शन के मेन पार्ट ने क्या स्टेट किया, सेक्शन 92 के मेन पार्ट ने स्टेट किया दैट ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एडमिटेड, है ना, ये स्टेट किया। बट प्रोविजो स्टेट्स दैट ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट may be admitted in following
सिक्स कंडीशन। प्रोविजो स्टेट्स कि फॉलोइंग छह कंडीशंस में ओरल स्टेटमेंट या ओरल एग्रीमेंट का ओरल एविडेंस एडमिसिबल किया जा सकता है। ओके, सेक्शन 92 कंटेन्स सिक्स प्रोविजंस इन विच देयर आर एक्सेप्शनल केसेस वेयर ओरल एविडेंस कुड बी गिवन। सो प्रोविजोस ऑफ सेक्शन 92 इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल कंटेन इन सेक्शन 92। ठीक है, जनरल रूल क्या कहता है? ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एडमिटेड, बट प्रोविजो स्टेट्स ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट मे बी एडमिटेड इन फॉलोइंग सिक्स कंडीशन। तो चलिए अब एक एक करके हम सभी प्रोविजोस को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो प्रोविजोस हैं हम उसको उसी चावल वाले एग्जाम्पल से समझ सके। ओके, तो देखो पहला प्रोविजो क्या कहता है जी। प्रोविजो वन स्टेट एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू सच एज फ्रॉड इंटिमिडेशन इलीगैलिटी वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन वॉन्ट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वॉन्ट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। तो प्रोविजो वन ने क्या कहा जी? प्रोविजो वन स्टेट्स कोई ऐसा फैक्ट प्रूव किया जा सकता है जो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर रहा है, यानी डॉक्यूमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर रहा है, या वो किसी पर्सन को डिक्री ऑर्डर के लिए एंटाइटल कर रहा है। और ये जो डिक्री ऑर्डर है ये किस तरीके से ऑब्टेन की गई है, या फिर जो फैक्ट डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर रहा है ये किस कारण से इनवैलिडेट कर रहा है? फ्रॉड इंटिमिडेशन इलीगैलिटी वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन वॉन्ट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वॉन्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर आप इसको वन लाइन में कंक्लूड करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो एनी फैक्ट जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर रहा है या फिर किसी पर्सन को किसी डिक्री ऑर्डर के लिए एंटाइटल कर रहा है। कैसे? हाउ? बाय फ्रॉड इंटिमिडेशन इलीगैलिटी वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इन सच केसेस सच फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जैसे सपोज करके चलिए ए ने बी के साथ ये जो चावल का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना ये फ्रॉडेंटली किया था। ठीक है, ए ने बी के साथ ये जो चावल का कॉन्ट्रैक्ट किया था ये धोखे से किया था। ये मान के चलिए ए ने बी को कोअर्स करके, ठीक है, डरा धमका के ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। बेसिकली फ्री कंसेंट वॉज मिसिंग फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट किससे डील करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 से। ये मान के चलिए ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूली एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, यानी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं की गई थी। दैट मींस वायलेशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सपोज करके चलिए बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं था। मान के चलिए ही वॉज अ माइनर और ही वॉज अनसाउंड पर्सन और ही वॉज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ एट द टाइम व्हेन सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड। That is section 11 of Indian Contract Act. Yeah, suppose करके चलिए there was no consideration from B's side for the above contract. That is section 25 of Indian Contract Act. Want of consideration. तो मान के चलिए A और B के बीच में जो contract है ये mistake of law या mistake of fact से arise हुआ था। That is section 20, 21 and 22 of Indian Contract Act. तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब डॉक्यूमेंट को यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बना रहे हैं, राइट? तो ऐसे किसी फैक्ट को यानी फ्रॉड इंटिमिडेशन वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन वॉन्ट ऑफ कंसिडरेशन मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सेट्रा इन सब को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो दैट मींस अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन कोअर्शन वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन वॉन्ट ऑफ ड्यू कंसिडरेशन मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सेट्रा इन सब से अराइज हुआ है, जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में पार्टी जो है वो ओरल एविडेंस दे सकती है। क्लियर हुआ? हम्म,
और देखो अगर आप खुद लॉजिक सोचो तो अगर हमने किसी ऐसे फैक्ट को ओरल एग्रीमेंट से प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जो कि डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट डिक्लेयर कर रहा है, दैट मींस फ्रॉड, इंटिमिडेशन, कोअर्शन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा, इन सबको अगर हमने ओरल एविडेंस से प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं किया तो इससे क्या होगा, लॉ का जो पर्पज है वही डिफीट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे तो फिर कोई भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्स में लाने के लिए मजबूर हो जाएंगी जो इन सभी तरीके से ऑकर हुए हैं। तो ऐसे तो फिर जो लॉ है उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? वेरी गुड। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा टेक्निकल है। और बाकी देखो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजंस, ठीक है, ये वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, ये सब सारे जो सेक्शन हमने यहाँ कवर किए हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप बहुत जल्दी इस चीज को कनेक्ट कर लोगे, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो नंबर 2, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the court shall have regard to the degree of formality of the document. तो proviso 2 ने क्या कहा? वही चावल वाले example को लेकर समझेंगे। A और B के बीच में एक चावल का contact हुआ है जिसको उन्होंने writing form में reduce कर लिया है। Okay? अब suppose करके चलिए A और B के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ। सेपरेट ओरल एग्रीमेंट मींस कि ए और बी के बीच में अलग से एक ओरली एग्रीमेंट हुआ, सेपरेटली उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट किया। और ये जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है ये उन्होंने किसी ऐसे मैटर पे किया है जिस पे जो उनका डॉक्यूमेंट है, चावल वाला जो डॉक्यूमेंट है, चावल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, साइलेंट है। और वो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट के टर्म्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, यानी वो जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है वो चावल वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अब इस सेपरेट ओरल एग्रीमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। देखो ध्यान रखना इसमें दो बातें हैं, कौन कौन सी? दैट सेपरेट ओरल एग्रीमेंट मस्ट बी विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, जिस पर जो डॉक्यूमेंट है वो साइलेंट है, एंड दैट सेपरेट ओरल एग्रीमेंट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली देन द ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट विल बी एडमिटेड। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे सपोज करके चलिए ए और बी ने चावल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम किया था तब इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी स्टेट नहीं किया था, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट को लेकर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी स्टेट नहीं किया था, इट मींस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोड ऑफ पेमेंट को लेकर साइलेंट है। लाइक चावल का जो पैसा है वो बी कैश में देगा या चेक के थ्रू देगा या आरटीजीएस करेगा या पेटीएम या गूगल पे करेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइलेंट है। सपोज करके चलिए पार्टी इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना भूल गई। अब इन्होंने सोचा यार मोड ऑफ पेमेंट को लेकर दोबारा से हम रिटर्न एग्रीमेंट क्या ही बनाएं, दोबारा से हम लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या ही पढ़ें, हम एक काम करते हैं इसके लेकर एक ओरल एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो मान के चलिए ए और बी ने सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके डिसाइड किया कि जो पेमेंट है वो हम पेटीएम से करेंगे, ठीक है। तो अब इस ओरल एग्रीमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, यानी पार्टीज इस ओरल एग्रीमेंट का ओरल एविडेंस दे सकती हैं। व्हाई? बिकॉज मोड ऑफ पेमेंट को लेकर दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज साइलेंट एंड इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मोड ऑफ पेमेंट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट जो था साइलेंट था और ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। देयरफोर सच ओरल एग्रीमेंट विल बी अलाउड टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। अब चलिए
अब हम थर्ड प्रोविजो की ओर चलते हैं। थर्ड प्रोविजो क्या कहता है जी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रिसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव। तो उसी चावल वाले एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करके चलिए ए और बी के बीच में चावल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट? ए और बी ने आपस में चावल को लेकर एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सपोज करके चलिए इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ए और बी ने एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट किया जिसके तहत इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन प्रिसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट कर दी, यानी ए और बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक प्रायर कंडीशन ऐड कर दी कि ये जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है ये तब तक एनफोर्स में नहीं आएगा जब तक एक सर्टेन इवेंट या जब तक एक सर्टेन कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है? तो अब जो पार्टीज हैं ये कंडीशन प्रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया गया है उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकती है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलिए ए और बी के बीच में चावल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट? अब इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में रिड्यूस करने के तुरंत बाद बी ने एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके चावल खरीदने से पहले एक कंडीशन अटैच कर दी। लाइक बी ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि जो चावल है ये 10 साल पुराना ना हो। लाइक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके बी ने एक प्रायर कंडीशन अटैच कर दी कि भैया मैं चावल तभी खरीदूंगा जब वो चावल 10 साल पुराना होगा। तो अब जो पार्टीज हैं वो इस ओरल एग्रीमेंट को लेकर ओरल एविडेंस कोर्ट में लीड कर सकती है, ठीक है? समझ में आया? सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके इन्होंने क्या किया, एक कंडीशन प्रिसिडेंट अटैच कर दी। बी ने सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके क्या कहा, ए को बोल दिया कि भैया मैं चावल तभी खरीदूंगा जब वो चावल 10 साल पुराना होगा। तो अब जो पार्टीज हैं वो इस ओरल एग्रीमेंट को लेकर ओरल एविडेंस कोर्ट में लीड कर सकती हैं, ठीक है? और याद रखना प्रायर कंडीशन को लेकर ये जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है ना, ये या तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में रिड्यूस करते वक्त होना चाहिए, दैट मींस कंटेम्परेनियस या इमीडिएटली उसके तुरंत बाद होना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट को राइटिंग में रिड्यूस करने से पहले होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट से प्रोविजो फॉर डील कर रहा है, ठीक है? तो याद रखना इस चीज को, ये जो प्रायर कंडीशन है ये या तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने से पहले होनी चाहिए या कंटेम्परेनियस होनी चाहिए। कंटेम्परेनियस मींस या तो एट द सेम टाइम एन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रेम और इमीडिएटली आफ्टर दैट। अब चलिए अब हम प्रोविजो फोर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोविजो फोर क्या कहता है, The existence of any distinct subsequent oral agreement to resign or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents. तो देखो इस प्रोविजो के दो पार्ट्स हैं, हम एक एक करके इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे, अदरवाइज ये जो प्रोविजो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑलराइट? क्योंकि प्रोविजो भी अपने आप में एक एक्सेप्शन से डील कर रहा है, ओके? तो प्रोविजो फोर क्या कहता है उसी एग्जांपल को लेकर समझते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइस, ठीक है? अब सपोज करके चलिए उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को रिसाइन या मॉडिफाई करने के लिए ए और बी ने बाद में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया, ठीक है? डिस्टिंक्ट मींस सेपरेट या इंडिपेंडेंट, ठीक है? सब्सिक्वेंट मींस बाद में, राइट? आपने नोटिस किया प्रोविजो टू और प्रोविजो थ्री में क्या टर्म यूज कर रखा था, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, जबकि प्रोविजो फोर में क्या टर्म यूज कर रखा है, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, है ना? तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना आप? तो हम क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेम होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को रिसाइन या मॉडिफाई करने के लिए ए और बी ने बाद में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया। तो अब इस ओरल एग्रीमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है? जैसे मान के चलिए
ए और बी ने चावल के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक ओरल एग्रीमेंट किया कि अगर चावल में घुन निकला, चावल में दाने या ग्रांड निकले तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देंगे। पार्टीज ने ओरली इस चीज को लेकर एग्रीमेंट कर लिया कि अगर उस चावल में घुन ग्रांड या कीड़ा निकलता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देंगे, खत्म कर देंगे, रिसेशन मीन्स कैंसिल कर देंगे। तो अब पार्टीज इस ओरल एग्रीमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकती, ठीक है। अब इसकी भी दो एक्सेप्शन है, दैट मींस किन केसेस में पार्टीज रिसेशन या मॉडिफिकेशन को लेकर ओरल एग्रीमेंट के ओरल एविडेंस को नहीं दे सकती, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन क्या क्या है जी? एक्सेप्ट इन द केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी इज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इनफोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी उन केसेस को छोड़ के जहां कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को लॉ ने राइटिंग में रिड्यूस करने के लिए मैंडेटरी किया था या जिनको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया गया था, तो ऐसे केसेस में ओरल एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉडिफिकेशन रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, आई डू अंडरस्टैंड। सो यू सी सेक्शन 92 प्रोविजो 4 डील्स विद डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसाइन और मॉडिफाई एनी सच डॉक्यूमेंट। हाउएवर देयर आर टू एक्सेप्शन वेयर सच ओरल एग्रीमेंट एज टू मॉडिफिकेशन और रिसेशन इज नॉट अलाउड, एंड व्हाट आर दे? नंबर वन, व्हेन मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग देन सच रिसेशन और मॉडिफिकेशन हैज टू बी इन राइटिंग ओनली। And second is where document has been registered under the Indian Registration Act, then any registration or modification has to be in writing only. These are the two exceptions of section 92 contained in proviso 4. Okay? अब चलिए अब हम proviso 5 की तरफ बढ़ते हैं। Proviso 5 क्या कहता है? Any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to the context of that description may be proved. Proviso that the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract. तो क्या कहा जी? Proviso 5 जो है वो usage और custom से deal करता है। किससे deal करता है? Usage या custom से। तो Proviso 5 क्या कहता है? कोई ऐसा custom या कोई ऐसा uses जिसके incident को किसी contract में expressly mention नहीं किया गया, but usually वो custom या uses उस contract के description से attached है, तो अब इसको लेकर ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ओके, सिंपली स्टेटिंग, यूजर और कस्टम विच इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बट विच आर यूजली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दे मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है ना, जिसके रिगार्डिंग ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे चावल को लेकर, उस चावल को लेकर एक कस्टम या यूजेज है, ठीक है। अब उस चावल को लेकर जो कस्टम या यूजेज चली आ रही है उसको लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टीज ने अपने एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली कुछ भी स्टेट नहीं किया, तो अब बेशक से वो जो कस्टम या यूजेज है उसको एक्सप्रेसली पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, देन ऑल्सो उस चावल को लेकर जो कस्टम या यूजेज चली आ रही है दैट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जैसे उसी एग्जांपल को लेकर समझते हैं, ए और बी के बीच में ये चावल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब इन्होंने कहीं भी चावल के साइज को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया, लाइक चावल के जो दाने का साइज है वो क्या होगा, वो इतना छोटा होगा या इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, वो उसका जो साइज है उसको लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया। बट इनके कस्टम यूजेज के अकॉर्डिंग बड़े दानों के चावल ही खाए जाते हैं, ये बड़े दानों के चावल ही कंज्यूम किए जाते हैं, तो अब इस चावल के साइज को लेकर पार्टीज ओरल एविडेंस लीड कर सकती हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। एनी यूजेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा यूजेज या कस्टम जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया गया है, आर यूजली अनेक्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, बट वो यूजली उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड ही है, तो अब पार्टीज ओरल एविडेंस से इस चीज को प्रूव कर सकती हैं। हाँ, पर याद रखना ये जो कस्टम या यूजेज है ये कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्रेस टर्म्स के साथ
रिपग्नेंट या इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोविजो ने क्या स्टेट किया जी, प्रोविजो स्टेट्स कि उस यूजर या कस्टम के जो इंसिडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्रेस टर्म्स के साथ इनकंसिस्टेंट या रिपग्नेंट नहीं होने चाहिए। दैट मींस सपोज करके चलिए ए और बी ने जो चावल का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उन्होंने एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया कि भैया हम छोटे दाने के चावल की ही बात कर रहे हैं, हम छोटा दाना वाला चावल ही खरीदेंगे। तो अब इस केस में बड़े दाने वाले चावल की जो कस्टम यूजेज चली आ रही है, सच कस्टम और यूजेज विल बी इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर नो ओरल एविडेंस ऑफ सच कस्टम विल बी अलाउड। ओके, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब चलिए अब हम इस सेक्शन के लास्ट प्रोविजो की ओर बढ़ते हैं, प्रोविजो 6। एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जैसे सपोज करके चलिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जिसके कारण पार्टीज की जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं हो पा रही। तो पार्टीज की इंटेंशन को क्लियर करने के लिए हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो लास्ट प्रोविजो है ये सेक्शन 93 से सेक्शन 100, जब हमें सारे प्रोविजन डिस्कस कर लेंगे तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेक्शन 92 के सारे प्रोविजो हम यहां डिस्कस कर चुके हैं आई गेस। अब आपको सेक्शन 92 और साथ में इसके प्रोविजो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी आई होगी, आई होप अब तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज यार थोड़ा सा ना सेल्फ रिवीजन करिए। जब तक आप सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे या जब तक आप खुद से टाइम डिवोट नहीं करोगे, कोई भी पर्सन आपको कितनी भी चीजें समझा ले या बता ले उसका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। सच में बता रहा हूं, आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद बेरक के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक ही सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। ये का खा गया या कोई स्टोरी नहीं है कि बस मैंने आपको सुनाई और आपके दिमाग में फीड हो गई, नहीं यार, यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। ओके, अच्छा आप सब लोग एक बात और याद रखना, इस सेक्शन को करने के बाद आपने सेक्शन 144 करना है, ठीक है। सेक्शन 144, सेक्शन 92 को कंप्लीट करने के बाद आपने सेक्शन 144 करना है, क्योंकि जो सेक्शन 144 है वो सेक्शन 92 के साथ ही रीड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 91 एंड 92? सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कोई बता सकता है? तो देखो जी, सेक्शन 91 डील्स विद यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, वेयर एज सेक्शन 92 डील्स विद बायलेटरल ट्रांजैक्शन। सेक्शन 91 डील्स विद यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन एंड सेक्शन 92 डील्स विद बायलेटरल ट्रांजैक्शन। अच्छा, सेक्शन 92 बायलेटरल ट्रांजैक्शन से डील करता है, ये कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन यूज इन सेक्शन 92 एज बिटवीन द पार्टीज और देयर एलआर। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, देखो ये रहा, एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर एलआर, ये क्या शो कर रहा है कि सेक्शन 92 बायलेटरल ट्रांजैक्शन से डील करता है। अब बायलेटरल ट्रांजैक्शन और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन ये क्या होती है जी, इनको भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक को पढ़ा होगा, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 21 और 22 को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जो सेक्शन 21 है वो बायलेटरल मिस्टेक से डील करता है जबकि जो सेक्शन 22 है वो यूनिलेटरल मिस्टेक से डील करता है। इसी तरह ट्रांजेक्शन होते हैं, बायलेटरल ट्रांजेक्शन एंड यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। बायलेटरल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कौन से, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सेल डीड, मॉर्गेज डीड एक्सेट्रा। वहीं अगर हम बात करें यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन की तो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन इन विच ओनली सिंगल पार्टी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल पार्टी ही इन्वॉल्व होती है, जैसे कि विल डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेट्रा। भाई विल डीड का मतलब क्या होता है, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा,
और डीड का मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। तो विल डीड क्या होती है? विल डीड में पर्सन अपनी इच्छा, अपनी विल बता रहा है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सो एंड सो पर्सन को दे दी जाए। तो विल डीड में एक ही पार्टी रोल प्ले करती है, जो पार्टी विल एग्जीक्यूट कर रही है केवल वही पार्टी इन्वॉल्वड है, इसलिए विल डीड को यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। भाई जिसके फेवर में विल बनाई गई है, जैसे सपोज करिए फादर ने आपके फेवर में एक विल एग्जीक्यूट करी, ठीक है, तो आपने यहां कुछ नहीं किया, आप तो बस यहां एक साइलेंट स्पेक्टेटर हो, आप तो बस यहां मूक दर्शक की तरह बैठे हुए हो, ठीक है, आपका यहां कोई रोल नहीं है। जिसके फेवर में जो विल बनाई गई है उसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें सेल डीड की, तो सेल डीड में क्या होता है? सेल डीड में दोनों पार्टी सेल डीड में एंटर होती है। दोनों पार्टीज मींस वेंडर एंड वेंडी। वेंडर और वेंडी दोनों पार्टी का एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। वेंडर प्रॉपर्टी बेचता है, जबकि जो दूसरी पार्टी है डेट मींस वेंडी, वो वेंडर को पैसे देती है, ठीक है। सो बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन इट, बोथ द पार्टीज आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ विल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिलिंक्विशमेंट डीड एक्सेट्रा। विल के केस में जिस पार्टी के फेवर में विल बनी है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, ओनली द पर्सन मेकिंग विल इज एग्जीक्यूटिंग समथिंग। समझ आया? तो विल डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब क्या है? ये यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा कमेंट करके बताइए कि जो गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड, ये यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है बायलेटरल ट्रांजेक्शन है? चलिए बताइए कमेंट करके फटाफट। और देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी हमने समझा है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बस हमने इसलिए समझ लिया है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि सेक्शन 91 यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन से डील करता है, सेक्शन 92 बायलेटरल ट्रांजेक्शन से डील करता है, ठीक है। तो ये जो वन लाइन का फैक्ट है ये केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर वही बात है, बच्चों को क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी अराइज हो जाती है कि सर ऐसा क्यों है या इसके पीछे की क्या रीजनिंग है। अच्छी बात है कि अगर आप लॉ को पढ़ते हुए एंड उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द फैक्ट इज ये जो पॉइंट था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। ऑलराइट, तो आई गेस अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो ये ऐसा फैक्ट है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो अब कभी आप इस चीज को भूल नहीं सकते, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा रटने वाला है, रिवीजन करने वाला नहीं है, है ना। तो वापस आते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस इज सेक्शन 91 डील्स विद यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, वेयर एज सेक्शन 92 डील्स विद बायलेटरल ट्रांजैक्शन। सेकंड डिफरेंस इज स्कोप ऑफ सेक्शन 91 इज वाइडर इन कंपैरिजन टू स्कोप ऑफ सेक्शन 92। एंड द थर्ड लास्ट डिफरेंस इज बार ऑफ सेक्शन 91 अप्लाइज टू पार्टीज एलआर एंड स्ट्रेंजर ऑल्सो। सेक्शन 91 को जो बार है वो पार्टीज पर, एलआर पर और स्ट्रेंजर पर भी अप्लाई होता है। वेयर एज बार ऑफ सेक्शन 92 इज एप्लीकेबल ओनली टू पार्टीज एंड देयर एलआर। जब हम सेक्शन 99 डिस्कस करेंगे तब हम वहां देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यानी जो डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, जैसे कि सी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी बदलाव को लेकर उस चावल के रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में जो ओरल एग्रीमेंट से उन्होंने कुछ चेंज किया, तो थर्ड पार्टी ए और बी के बीच में चावल के एग्रीमेंट में किसी भी बदलाव को लेकर ओरल एविडेंस दे सकती है। ठीक है, तो ये तीन मोटे मोटे से रेफरेंस है, आप एक बार उनको नोट कर लेना। अब चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन इज सेक्शन 92 इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। डू यू एग्री विद आवर स्टेटमेंट? Support your answer with legal provisions. तो चलिए करिए इसका आंसर। और मैं आपको बता दूं, सेक्शन 92 में ऑलरेडी हम इसके आंसर को डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है। तो प्लीज मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, अच्छे से आंसर करना यार, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। अच्छा इसके अलावा एक डाउट और रह गया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट मैसेज भी ऑन इंस्टाग्राम दैट सर आपने सेक्शन 91 तो बहुत अच्छे समझाया लेकिन जो उसका एक्सेप्शन नंबर 1 है ना वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा पर्सनली इसको अगर क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे और बच्चों को भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम यहां क्लियर कर लेते हैं। तो देखो एक्सेप्शन 1 किससे डील करता है, सेक्शन 91 का एक्सेप्शन 1 है, when a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer the writing by which he is appointed need not be proved। तो इसको देखो हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे ही आपको एग्जांपल क्लियर हो गया ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करके चलिए आपने हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम क्लियर कर लिया, ओके, एंड नाउ यू आर पोस्टेड इन गुड़गांव सिटी, ओके। अब आपने अपनी कोर्ट प्रिसाइड कर ली, ठीक है, आपको उस कोर्ट में काम करते करते या आपको कोर्ट में एज अ जज प्रिसाइड करते करते 2-3 साल हो गए, ठीक है। अब एक दिन एक चेक डिसनो के केस में आपने एक पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब अगली तारीख पर जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने जजमेंट डिक्लेयर किया था उसके बिहाफ पर सीनियर काउंसिल कोर्ट में अपियर होते हैं। मान के चलिए नेक्स्ट डेट पर हरीश सालवे जी, सीनियर काउंसिल हरीश सालवे जी उस जजमेंट डेप्टर के बिहाफ पे अपियर होते हैं, ठीक है। अब हरीश सालवे आपके जजमेंट से बहुत नाराज होते हैं। मैटर कॉल होते ही सीनियर काउंसिल हरीश सालवे आपसे पूछते हैं कि भैया क्या आप जज हो, क्या जज इस तरह का कोई ऑर्डर पास करता है, आप मुझे प्रूव करिए कि आप जज हो। जस्ट बिकॉज आप इस चेयर पर प्रिसाइड कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जज मान लूं ना, मुझे तो इस बात का एविडेंस चाहिए क्योंकि अगर वाकई में जज होते तो आप इस तरह का जजमेंट पास ही ना करते। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए कि आप वास्तव में जज हो, मैं तभी मानूंगा कि आप JMIC बने, आपके पास इस चेयर को प्रिसाइड करने की अथॉरिटी है, अदरवाइज मैं आपको जज नहीं मानता। अब भाई चूंकि हरीश सालवे जी आपके आगे प्रेजेंट थे और उन्होंने ये सब बातें आपको कह दी, आप एकदम थर थर कांपने लगे। अभी सीनियर काउंसिल तो सीनियर काउंसिल ही रहेगा, समझ रहे हो भाई, सीनियर काउंसिल के आगे JMIC 1 तो कुछ भी नहीं है, है ना भाई। आपको केवल 2-3 सालों का एक्सपीरियंस और सीनियर काउंसिल हरीश सालवे को कम से कम 40-50 सालों का एक्सपीरियंस है ना, तो उनके आगे तो आप कुछ भी नहीं हो। अब आप मुझे ये बताइए आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, हाउ विल यू प्रूव टू दैट सीनियर काउंसिल हरीश सालवे दैट यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट चेयर। क्या आप सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे के डर से खुद को ऐसा जज प्रूव करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेट्रा उनके आगे प्रोड्यूस करोगे और यू विल प्रूव इट थ्रू सम अदर मैनर, बताइए क्या करोगे आप? क्या बोलोगे कि मिस्टर काउंसिल मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं भी घर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देता हूं और आपको ये प्रूव कर दूंगा कि हां मैं इस चेयर को प्रिसाइड करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हूं, क्या आप ऐसा करोगे? अरे भाई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल योर लीगल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक हिम बिलीव दैट यू आर अ जज, देन व्हाट यू विल डू, हाउ विल यू प्रूव? द ओनली फैक्ट दैट यू आर वर्किंग एज अ लोअर कोर्ट जज इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू प्रूव इट। द वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, द ओनली फैक्ट दैट यू आर वर्किंग एज अ लोअर कोर्ट जज विल बी प्रूव्ड। कहां से पता लगा? सेक्शन 91 के एक्सेप्शन 1 से, ओके। When a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. That means आपने केवल ये दिखाना है that you are working as a JMIC 1, आपने वो document या वो call letter या वो appointment letter हरीश सालवे जी के आगे produce नहीं करना, ठीक है? And what is the reason behind this? इसके पीछे हमने क्या reason पढ़ा था? अगर आप सेक्शन 91 को रिकॉल कर पाओ तो हमने इसके पीछे एक रीजनिंग पढ़ी थी, और वो रीजनिंग क्या थी? कि फैक्ट कि कोई पर्सन ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है लाइक जज के तौर पर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर या IAS के तौर पर या IPS के तौर पर, ये अपने आप में उसके उस ऑफिस में ड्यूली अपॉइंटमेंट होने का एविडेंस है,
क्यों? क्योंकि हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी पर्सन खुद को किसी पब्लिक सिचुएशन में इंट्रूड नहीं करेगा जिसको वो फिल करने के लिए ऑथराइज नहीं है। भाई कोई भी पर्सन जो पब्लिक ऑफिसर के पोस्ट को होल्ड कर रहा है, कोई भी पर्सन जो सिस्टम का पार्ट है, वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, राइट? अब आप अपने आप को ही ले लीजिए, आप जेएमआईसी 1 के तहत किसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आपने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो किया, राइट? आपने फॉर्म फिल किया, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्रैक किया और फिर फाइनली इंटरव्यू टॉप किया। ऐसा नहीं है कि आपने बिना एग्जाम क्वालिफाई करे उस चेयर को जाके प्रिसाइड कर लिया, समझ रहे हो? तो इंट्रूड का मतलब क्या होता है जी? इंट्रूड मींस टू एंटर अ प्लेस और टू होल्ड अ प्लेस और अ सिचुएशन विदाउट परमिशन, किसी स्थान या अवसर पर बिना अनुमति के या लोगों की इच्छा के विपरीत पहुंच जाना, घुस आना या घुस जाना, काइंड ऑफ घुसपैठ, ठीक है? तो आई गेस अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सेक्शन 91 और 92 को लेकर आपके माइंड में आप किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया।